फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन एनएससी फिजिक्स क्लास बाई डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों मैं आज नीट 2022 के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने अब क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो बिल्कुल इजी कर दिए गए हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सवाल सॉल्व कर पाए। थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हाई फाई भी की जरूरत नहीं है, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। The ratio of thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm is given. Time is. तो दोस्तों मैं सवाल को थोड़ा हिंदी में समझाना चाहूंगा कि दो रजिस्टर्स हैं, एक का रजिस्टेंस 100 ohm है, दूसरे का 200 ohm है, दोनों को पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो बताइए थर्मल एनर्जी डेवलप्ड का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों पैरेलल में है तो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला आप बैठाएंगे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो देख सकते हैं यहाँ के थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आप रेजिस्टेंस कितना है 100 ohm और 200 ohm है, इसका उल्टा करें 200 इनवर्सली है ना, इसलिए सही आंसर सी नंबर होगा 2:1। तो बिना कलम कागज छुए भी आप आंसर दे सकते थे अगर थोड़ा भी कंसेप्ट अगर आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस द पोटेंशियल वुड बी। दोस्तों आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पढ़ा है बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, तो जिसका रेडियस छोटा होगा पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो किसने कहा है, तो कौन, जिसका रेडियस कम होगा पोटेंशियल ज्यादा, रेडियस बड़ा होगा पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन द मेटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, ऐसा तो कुछ है नहीं। मोर ऑन बिगर स्फीयर, ये भी गलत है। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, तो सही जवाब यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर हुआ। 3 नंबर पे आप टिक करेंगे, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल एरर है, क्वेश्चन सही नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूँ। As the temperature increases, the electrical resistance. तो दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर सेमी कंडक्टर। तो दोस्तों क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो कंडक्टर उनके होंगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जो सेमी कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस घटेगा। तो सही यहाँ पे जो सही जवाब होगा इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टिविटी घटेगा, और सेमी कंडक्टर में उल्टा होगा, जितना गर्म करते जाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लोग कितना हवा बनाए हुए हैं कि कितना भारी न्यूमेरिकल होता है, ये होता है वो होता है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिम्मत से काम लीजिए, है ना, लगे रही मुन्ना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। दोस्तों ये भी देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिमाग नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल √T/N,
वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर टेंशन, टेंशन डबल हो रहा है, टेंशन डबल हो रहा है, तो यहाँ पे रूट अंडर टी वाई एम है, तो टू पे आप डबल करेंगे, रूट टू इज टू वन हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल, नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले का रहा इनिशियल फिर फाइनल, मतलब इनिशियल फाइनल टेम्परेचर आपका ज्यादा हो रहा है, स्टिंग का टेंशन आप डबल कर रहे हो, तो इनिशियल का स्पीड कम होगा फाइनल का ज्यादा होगा, तो सही जवाब जो होगा वन इज टू रूट टू होगा, वन इज टू रूट टू, तो सही जवाब हो गया पांच नंबर, सॉरी ये सही जवाब क्या हुआ सर दोस्तों, फोर्थ फोर हुआ, फाइव नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैचिंग दिया गया है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट आपको मैच करना है इसमें, तो इस मैचिंग में आप इस बार का ध्यान देंगे, अगर एक दो भी मैच कर गया और बाकी आप नहीं भी जानते हैं तो आप देखिएगा आपका आंसर करेक्ट आंसर चूज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एम रेडियो वेव दिया है, माइक्रोवेव दिया है, इंफ्रारेड दिया है और एक्सरे दिया है, अगर इसमें से अगर आप देखते हैं एक्सरे तो सबको याद होगा, आपको दोस्तों याद किया होगा आपने -10^-10 meters, इसे डी का ऑप्शन हो रहा है वन नंबर, एम्पलीट्यूड एम रेडियो वेव्स इसका होता है 10^-2, तो देखिए ए का जो मैं थोड़ा ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ, ए का टू और डी का देखिए वन, डी का वन, ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही में मिले रहा है, आप अगर पहला भी अगर आप जान रहे थे एम्पलीट्यूड रेडियो वेव का क्या है, तो आप देखिए कि ए का एम्पलीट्यूड रेडियो वेव की जब वेवलेंथ होता है वो 10^-2 meters होता है, सिर्फ एक में ही टू लगा हुआ बाकी में नहीं है, तो हम समय क्यों वेस्ट करेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे, वन नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो दोस्तों आपने जो मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है के इक्वल रूट अंडर आई बाई एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मास, एम क्या है मास, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद कीजिए ऑफ सर्कुलर डिस्क अराउंड इट्स सीजी हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो उससे आप के निकालेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर हो रहा है, तो इससे आपके फॉर्मूला में अगर आप निकालते हो तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, आर बाई रूट टू आ रहा है, आर बाई रूट टू, और अगर डायमीटर तो 1/4 mr², तो वो क्या आ रहा है दोस्तों, एक तो आ गया आपका आर बाई रूट टू और दूसरे कंडीशन में आ गया सीजी के एक्सिस के अराउंड मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन के बाई रूट टू और दूसरा जो है 1/4 करेंगे तो आर बाई टू आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पहले क्या कर रहा है अबाउट सीजी, मतलब आर बाई रूट टू को ऊपर रखना है नीचे आर बाई टू करना है, तो आर आर कैंसिल और आपका ये टू ऊपर चला गया, कट करके आंसर थर्ड नंबर जो है सही जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ये बायो कन्वेक्स लेंस हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 cm ईच इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 एंड पावर ऑफ लेंस इज इतना, तो पावर ऑफ एक बायो कन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर, बायो कन्वेक्स लेंस मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे और दोनों इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ आप लेंस मेकर फॉर्मूला बैठाएंगे दोस्तों, 1/f इक्वल μ-1 1/r1 -1/r2,
आर वन इसमें आप 20 बैठा है, आर टू माइनस 20 बैठा है, म्यू का मान 1.5 डाले, फोकल लेंथ इसको सॉल्व कीजिए, फोकल लेंथ 20 cm आएगा, उसको मीटर में बदलिए, 20 बाई 100 आ रहा है। तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में बदलना जरूरी है। तो पावर का फॉर्मूला 1/f पुट कर दें। तो दोस्तों ये क्लास में मैंने आपके थ्योरी क्लास में इसको कराया है, आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी में देखिए, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बताया। तो सही जवाब जो 8 का वो भी 4 है प्लस 5 डायोप्टर। अब देखिए ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड एसोसिएट विथ। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एच बाई पी के, तो वेवलेंथ क्या देख रहे हैं, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पी बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ती है, मोमेंटम बढ़ रहा है वेवलेंथ घट रहा है, तो वो डायरेक्ट आपका ए नंबर असल में मिल गया, कोई दिमाग इसमें नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट प्रोपेगेट थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी इज गिवन बाय सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दोस्तों आप याद करें c इन वैक्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए किसी दूसरे मीडियम, ये वैक्यूम में हो गया आपका, दूसरे मीडियम में यहां पे आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर करते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर करते हो, अब आप इसी से ये अंडर रूट तो पूरे पे रहेगा ही, अब आप इसको मिला के देखें 1/√√ एप्सिलॉन नॉट, इसको आप सी बोल देंगे और नीचे बच क्या रहा, रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो सही जवाब 1 नंबर हो गया। तो कितना आसान है अगर आप देख सकते हैं, लोग पूरा अफवाह बनाए हुए हैं, लाखों रुपए जाके खर्च करते हैं जाकर के एलएन में और एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद में ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आप यहां ज्वाइन करते हैं तो हम दोस्तों अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।